हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आपके भाई को फिर से आ चुका है आपके लिए एक मस्त व्लॉग लेके। हेलो, आपको मैं आज एरो की कंडीशन दिखाता हूँ। यार एरो का कितना बुरा हाल होकर रखा है, क्योंकि ना 2 महीने से ना मैंने इसको वॉश नहीं करवाया। मुझे टाइम नहीं लग रहा इसको वॉश करवाने का। ऊपर से ये ऑफ रोड पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है यार। और आपके भाई ने ना पिछले थोड़े दिनों में चेन सेट भी अपनी बाइक का चेंज करवा लिया। एंड कंडीशन देखो क्या हालत हो रखी है, क्या बना दिया यार उधर को बाबा रे। हमने आज पहले से पहले मैंने कहा इसको वॉश करवाते हैं, फिर एड मारते हैं। हमारा करना भी थी डैल तेरा डैल। और यार कल ये गिर गया था, इसे गले में लग गई चोट। गले में क्या तेरे दिखा यार, देखा चोट का लगी दिखा दी राजा जी। और लगी हमारी RS 200 है भाई, हैप्पी आ गया हुआ यहाँ पे। और काफी दिनों के बाद राइड कर रहे हैं। काफी क्या हुआ है, पहले का वही आज क्या क्या किया उसको तूने, कैसे कर दिया गया। तो भाई चलते हैं अभी वॉश में जाते हैं, भाई को वॉश करवा के ना वहाँ से फिर राइड पे निकलेंगे। अभी हमारा रजौरी का भाई और आ रहा है यार, उसका वेट करते हैं। सो भाई आरएसजीत पीरियन के साथ चल रही है हमारी। आत्मा दोनों जो है वो सोलो हैं, ये कन्ना पे अकेला आया हुआ है। और भाई जो 180 पे ये भी साथ में चल रहे हैं, दोनों बंदे हैं भाई। तो आर बंदा ना अकेली अच्छी लगती है भाई। आर बंदा बनी ना विदाउट पीरियन के लिए यार, विद पीरियन ही बाइक कहने के मर जाती है। तो ये भी रजौरी के बंदे हैं भैया। क्या हाल है भाई, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया, आ जाओ आ जाओ यार। भाई का नाम नहीं मैंने पूछा, चलो कोई नहीं आगे जाके पूछते हैं। क्या बात है यार, सबसे पहले वॉश ही करवाएंगे यार, बाकी सारे काम बाद में करने। बंद है भाई, बंद रे बाबा। तो गाइस सभी चीजें निकला बंद, तो अभी राइड ही मार लेते, पहले वॉश बाद में करवा लेंगे। गिरने में मजा आता है यार। आरएस का चलने में जो मजा है ना भाई, वो भाई किसी और बाइक के साथ आ ही नहीं सकता, जितना मर्जी कर लो यार। चलो भाई 150 को कैप्चर करते हैं अब। चलो भाई चलो, जान दो जान दो, आ जाओ। कन्नू क्या कर रहा है यार, चल ही नहीं रहा सारा आज। कह रहा मेरे को रोड पे वाइब नहीं आ रही यार। यहाँ पे ना लोग चक्कर गया, यहाँ पे लोग बीच में आ जाते हैं एकदम से। थोड़ी सी ना कंजेस्टेड रोड है एंड रोड छोटी है, तो यहाँ पे लोगों का पता नहीं होता। तो चलते हैं अब नीचे ना फ्लाई ओवर के राइड मारते हैं, ताकि आपको अच्छी अच्छी आवाज़ सुनाएंगे हम। अरे डार्लिंग चल नहीं रहा आज, कह रहे सुबह सुबह कौन पकाता है यार, सुबह सुबह कौन चलाएगा। भाई क्या मजा यार, भाई मजा आ गया। ओ भाई ले गया। ओ भाई
फर्दर बनेटी ना थोड़ा अभी पीलिंग के साथ है एंड अभी इतना चल नहीं पा रही है पर यार चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भाई को भी रिकॉर्ड करेंगे हम। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है यार, यहाँ पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। चल चलो भैया लड़को, ओ चल 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 जान दे जान दे, रहने दे तू जान दे। जान दे अभी जान दे, खींच खींच। खत्म करते भाई, बहुत हो गया आज, इतना ही आज के लिए बहुत है, आज सफिशेंट है, छोटी मोटी राइडिंग मारनी चाहिए है ना। और अभी मैंने एक चीज जाना भी है काम से, ये लोग कह रहे थे कि देवी पिंडी निकलना है आज, तो देखते हैं क्या बनता है। संडे को ना हमारा प्लान होता है कहने के जाने का, चलना है चलना है चलना है ना देवी पिंडी। हाँ नहीं नहीं तो भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और आज की राइड यहीं पे खत्म हो जाएगी हमारी, बाकी ना अगले दिन फिर कभी प्लान करेंगे। अब तो मेरी बाइक जो है ना वो ठीक हो चुकी है, तो मैं आराम से राइड कर सकता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले चेन सेट खत्म हो गया था ना, फिर कट कट साउंड करती थी एंड इतनी पावर भी नहीं देती थी। बस चलते हैं ठीक है, ठीक है मिलते हैं। क्या नाम क्या आपका? रमन नाम है, चैनल है आपका? नहीं, चलो ठीक है मिलते हैं फिर यार। आपका क्या नाम है? भाई रजौरी से बंदे हैं, कोई ना अगली बार ऐड करेंगे अच्छे, ठीक है। ट्रैफिक में बने फिर मजा आएगा, अभी तो ज़्यादा सीसी करो इससे आगे निकल जाते, साले खींचते रहते हैं, उनका भी ख्याल रखा करो यार। मैं कहा इनको मौका देता हूँ, आ ही नहीं रहे, आगे नहीं आने दे रहा है। कल का देखने कर लेते हैं, कल खेती जाएंगे। सो गाइस फाइनली आज अपने अपने एरो को वॉश करवाई दिया यार, कितनी सही लग रही थी वॉश होने के बाद में। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि ना अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली चीज़ है ना पूरी, इसको पूरा ब्लैक कर देते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन नहीं रखेंगे, पूरा ब्लैक करके ना इस वाली फ्रेम पे जॉकर एडिशन करवा देते हैं यार, ताकि अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। अभी जाऊँगा गोलू भैया के पास, देखते हैं उनको पूछते हैं कि किस तरह का थीम जो है इसके ऊपर आ सकता है और उसके बाद कैसे लगे। सिर्फ रिम कवर के ऊपर यार, बाकी कुछ नहीं करवाना मैंने, रिम कवर जो है ना वो पूरा चेंज करवा दूंगा। एंड अब इसकी कंडीशन थोड़ी सी अच्छी लग रही है, पता लग रहा है कि यहाँ पर भी ब्लैक कलर था यार, क्योंकि ना बहुत है, महीना दो महीने हो गए मैंने उसको वॉश नहीं करवाया बिल्कुल। तो वो थीम क्या ना उसके लिए आप बताओ, कमेंट करके बताओ यार क्या करना चाहिए, करवानी चाहिए कि जोकर एडिशन करवाना चाहिए, अच्छा लगेगा नीचे लगेगा, या फिर कुछ और ग्राफिक्स इंस्टॉल करवाएं इसके ऊपर, तो वो आप लोग कमेंट करो। बाकी गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और यहाँ से देखो कलर भी उतर रहा है, तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे फिर कभी किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिर ख्याल रखो, सेफ रहो, मस्त रहो, बाय बाय गाइस।